नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि राजधानी पटना के कुछ इलाकों को अब सील कर दिया गया है। क्या करें, जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर अभी भी आप देखते होंगे लापरवाही दिख रही है। इसलिए पटना के कुछ इलाकों को सील कर दिया गया, क्योंकि अचानक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा वहाँ से इतना मिला, लोगों की जो पुष्टि है स्वास्थ्य विभाग में इतनी कर दी कि उस पूरे इलाकों को सील कर दिया गया। खास करके पटना सिटी की बात करें, पटना सिटी में आप देख रहे हो किस तरीके से, अगर हम ऑटो रिक्शा की बात करें तो वहाँ पर भी धड़ल्ले से लोग बैठ रहे हैं, गमछे का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आपको इलाके के नाम बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो। पटना सिटी में लगातार कोरोना का केस जो मिल रहा है उससे जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। सिटी चौक से लेकर चौक शिकारपुर नौजर घाट पूरी तरह बंद रहेगा, आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहेगा। खजकले इलाके में भी लगातार पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर पटना सिटी के, अगर हम चौक शिकारपुर तक की बात करें, पटना सिटी के चौक से लेकर चौक शिकारपुर तक आपको पता है बड़ा इलाका है, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जो लोग हैं उनकी आवाजाही वहाँ पर कुछ ज़्यादा हो रही थी, लोग जो हैं वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देखते होंगे बाजारों में शुरुआती दिनों में जब कोरोना का प्रकोप काफ़ी बढ़ा था, ऐसा नहीं है कि बिहार में संक्रमित मरीजों के आंकड़े जो है वो कम हो गए हैं। ग्राफिक से उपयोग करके हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार में कुल अब तक 10,392 मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 7,994 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2320 लोगों का फिलहाल उपचार हो रहा है, 78 लोगों की अब तक बिहार में दुखद मौत हो चुकी है। अब राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो राजधानी पटना में 822 कन्फर्म केसेस हैं, जिसमें से 413 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 28 लोग ठीक हुए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर देखिए 822 कंफर्म केसेस जब पटना में आ गए, राजधानी की बात कर रहे हैं हम, तो उस वक्त सचेत होना होगा। यदि आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में जिला प्रशासन को पूरी छूट दी हुई है केंद्र सरकार द्वारा, जो गाइडलाइंस जारी की गई है कि वह अपने अनुसार से किसी इलाके को सील कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, नियमों का उल्लंघन करना, ये कहीं ना कहीं पटना सिटी के जो इलाके हैं जिन कुछ एक इलाकों का हमने जिक्र किया है, उन्हें अब काफ़ी उसका नुकसान भरना पड़ेगा। यह आपकी स्वच्छता के लिए है, यह आपकी सतर्कता के लिए है। आप स्वस्थ रहें, आपके आसपास में स्वच्छता जो है वो बरकरार रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, क्योंकि सरकार ने भले ही धीरे धीरे कोरोना संकट के बाद छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना ने अभी तक लोगों को छूट नहीं दी है। वो बीमारी अभी भी फैली हुई है और हम यदि सतर्क नहीं रहेंगे तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। और ऐसे में जब पटना सिटी के इलाके में बताया जा रहा है कि 50 से अधिक संक्रमित मरीज मिले पिछले 24 घंटे के अंदर, तो ऐसे में जिला प्रशासन को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा है पटना में आगे और ये खतरा ना बैठे, आगे और ये खतरा ना बरपे। आपको पता है जितने शिवालय हैं उन सभी को बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है, ताकि जो अब श्रावण मास की शुरुआत होने जा रही है, सोमवार को जो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों पर उमड़ते थे, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि ताकि मंदिर में श्रद्धालु ना जा सके। और ऐसे में जब राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से हम आपको बता दें जो इलाके सील किए गए हैं प्रशासन द्वारा, सिटी चौक से लेकर चौक शिकारपुर तक का इलाका सील कर दिया गया है। नौजर घाट पूरी तरह बंद रहेगा, आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। खजकला इलाके में भी लगातार पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या मिल रही थी उसके बाद ही मजबूरन सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधानी बरतें। बाहर जाने की छूट है लेकिन आपको खुद को बचाना है। साथ साथ ट्विटर पर भी लाइव सिटीज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।